ऑलराइट गाइस, स्मार्टफोन लॉन्चेस की अगर हम बात करें, नवंबर और दिसंबर के महीने में बहुत ही कम फोन लॉन्च हुए, बिल्कुल ठंडा था दो महीना। बट दोस्तों, जनवरी की वीडियो में मैंने आपसे बात करी थी कुछ 8-10 फोन के बारे में कि हाँ ये फोन हमारे इंडिया में लॉन्च हो सकते हैं जनवरी के महीने में। बट सरप्राइजिंगली 20 के ऊपर फोन अभी तक लॉन्च हो चुके हैं। अभी जनवरी गया नहीं है, अभी 20 के ऊपर फोन लॉन्चेस हो चुके हैं। बट फरवरी के महीने में कुछ ऐसा खबर है, 25 के ऊपर फोन लॉन्च हो सकते हैं इंडिया नहीं पूरे वर्ल्ड में, 25 के ऊपर। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं वो सारे के फोन के बारे में, कौन कौन से फोन किस डेट में आ रहे हैं, स्पेक्स थोड़ा कुछ बता दूंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसकी वीडियो के साथ, लेट्स गेट स्टार्ट। सबसे पहला फोन गाइस, ओप्पो वेनो 7 एंड वेनो 7 प्रो, जो फरवरी के फर्स्ट वीक में आने का बात चल रहा है, जहां पर आपको वर्ल्ड फर्स्ट सोनी IMX709 का फ्रंट कैमरा, 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिलेगा। अगर आपको इस फोन के बारे में पूरा का पूरा डिटेल में जानना है, ऊपर काटा गया होगा, जरूर जाकर देख लीजिएगा, हमने इसके ऊपर पूरा का पूरा एक वीडियो बना के रखे हैं। तो ये फोन आपको फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी के अंदर अंदर हमारे इंडिया में देखने को मिल जाएगा, ओप्पो वेनो 7 एंड वेनो 7 प्रो। अब दोस्तों दूसरा ब्रांड मोटोरोला एज X30 5G, यहां पर आपको 144 हर्ट्ज का डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा, उसी के साथ ट्रिपल लेयर कैमरा सेटअप, स्नैपड्रैगन 8 जनरेशन 1 का प्रोसेसर। फोन की जो प्राइस है ये करीब आपको 35,000 से 40,000 के बीच में रह सकते हैं। बाकी फोन का जो स्पेसिफिकेशन है, फुल्ली एक फ्लैगशिप टाइप का स्पेसिफिकेशन आपको इस फोन के अंदर देखने को मिल जाएगा। फोन की जो लॉन्च डेट है वो करीब फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी के अंदर अंदर ये फोन इंडियन मार्केट में आ जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं iQOO 9 सीरीज के बारे में। तीन फोन आने वाले हैं इस बार, iQOO 9, iQOO 9 Pro एंड iQOO 9 Legend, नहीं iQOO 9 ऐसे आने वाले हैं इस बार। सबसे बढ़िया बात, यहां पे आपको स्नैपड्रैगन 8 जनरेशन 1 का प्रोसेसर देखने को मिलेगा, और भी काफी सारे फ्लैगशिप लेवल का फीचर्स आपको इस फोन में देखने को मिलेगा। फोन की जो प्राइस है वो बहुत ही चौंकाने वाली प्राइस रेंज के साथ आने वाले हैं, एंड ये फोन आएगा थर्ड वीक ऑफ फरवरी यानी कि 22-23 तारीख के आसपास। तो वेट फॉर दैट फोन गाइस, बहुत ही धमाकेदार फोन ये बनने वाले हैं। अब दोस्तों बात करते हैं Vivo के बारे में। Vivo दोस्तों कोई फोन लॉन्च करने के चक्कर में नहीं है, ये सीरीज लॉन्च कर दिया। Vivo का नया T सीरीज आपको इसी फरवरी के महीने में पहला फोन लॉन्च होता हुआ दिखाई देगा, जहां पर आपको 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट वाले डिस्प्ले देखने को मिलेगा, ट्रिपल लेयर कैमरे की सेटअप देखने को मिलेगा। उसी के साथ जो सबसे चौंका देने वाली बात है, फोन का जो प्राइस रहेगा 20,000 के नीचे वाले प्राइस रेंज में होगा गाइस। थर्ड वीक ऑफ फरवरी को ये टी सीरीज हमारे इंडिया में आने वाले हैं। अब दोस्तों बात करते हैं OnePlus Nord CE 2 5G के बारे में। यहां पर दोस्तों आपको Dimensity 900 का प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा, उसी के साथ पीछे की तरफ ट्रिपल लेयर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएगा, 6.43 इंचेस का फुल HD प्लस डिस्प्ले, 90 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट। फोन की जो प्राइस रेंज रह सकते हैं वो है करीब 25,000 से 30,000 रुपए, एंड फोन आपको फरवरी के मिडिल में देखने को मिल जाएगा, यानी कि 14-15 के आसपास शायद ये फोन इंडिया में लॉन्च कर दिया जाएगा गाइस। By the way, guys, हर एक फोन का डिटेल्ड स्पेसिफिकेशन के साथ वीडियो बहुत ही जल्दी हमारे चैनल में आने वाले हैं, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, एंड उसी के साथ वीडियो अगर अच्छा लग रहा है अभी तक लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। अब बढ़ते हैं अगले स्मार्टफोन की तरफ। अब दोस्तों बात करते हैं Realme 9 सीरीज के बारे में। देखो अपकमिंग वाला वीडियो होगा और इस ब्रांड के बारे में बात नहीं किया जाएगा, ये थोड़ा सा 9 सभी वाला बात हो जाएगा, इसीलिए दोस्तों बात कर रहा हूं Realme 9 सीरीज का 9 Pro एंड 9 Pro Plus। दोस्तों इसी फेब के महीने में आने का बात चल रहा है, 9i ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है, बट दोस्तों इस फेब के महीने में 9 Pro एंड 9 Pro Plus को लॉन्च कर दिया जाएगा हमारे इंडिया में, जहां पर आपको बहुत ही अच्छा अच्छा स्पेसिफिकेशन देखने को मिल जाएगा, 50 मेगापिक्सल कैमरा, फास्ट चार्जिंग वगैरह। अगर आपको डिटेल में जानने का है 9 सीरीज के बारे में, ऊपर काटा गया होगा देख लीजिएगा, डिटेल में मैंने वहां पर डिस्कस किया हूं सारे के सारे 9 सीरीज के फोन के बारे में। अब दोस्तों बात करते हैं सैमसंग के बारे में। गैलेक्सी S22 2 सीरीज इसी फरवरी के महीने में हमारे इंडिया में लॉन्च हो सकते हैं, जहां पर आपको तीन फोन लॉन्च होता हुआ दिखाई देगा। सबसे पहला फोन है S22, दूसरा फोन है S22 प्लस, तीसरा है S22 अल्ट्रा। जी हाँ दोस्तों, तीन फोन आएगा, एक्सिनोस का प्रोसेसर आपको हर एक फोन में देखने को मिल सकते हैं,
108 मेगापिक्सल का कैमरा आपको पीछे की तरफ देखने को मिल जाएगा, और भी काफी सारे एक्साइटिंग सा चीजें आपको इस फोन में पैक कर दिया गया है। फ्लैगशिप लेवल का फोन है, यानी कि प्राइस रेंज भी फ्लैगशिप ही होगा। बट दोस्तों ये फोन आपको सेकंड वीक ऑफ फरवरी में देखने को मिल जाएगा हमारे इंडिया में। लेकिन दोस्तों बस फ्लैगशिप सैमसंग ने एक बजट फ्रेंडली फोन भी लॉन्च करने वाला है इसी के साथ इस फरवरी में। फोन का नाम है M33 5G। इस फोन में आपको एक्सिनोस 1200 का 5G चिपसेट देखने को मिल जाएगा। इसी के साथ 6.4 इंचेस का फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा, या फिर सुपर एमोलेड भी हो सकता है। फोन का प्राइस के बारे में अभी तक कुछ लीक आउट नहीं हुआ, बट दोस्तों जो लीक आउट हुआ ये आपको फरवरी के एंड में देखने को मिल सकते हैं, यानी कि 25, 26, 27, 28 इन डेट में से किसी भी डेट को ये फोन लॉन्च हो सकती है। दोस्तों ये भी हो सकता है कि मार्च के शुरुआत में भी ये फोन लॉन्च हो सकते हैं, इसके बारे में ज्यादा कुछ पता अभी तक नहीं चला, तो देखते हैं गाइस ये फोन कब आते हैं। बाकी दोस्तों बात करते हैं पोको की एक फोन के बारे में। करीब 2.5-3 महीने से पोको ने कुछ भी चीज लॉन्चेस नहीं की है, तो आशा तो हम कर सकते हैं कि पोको X4 इस महीने में फरवरी के महीने में आ सकते हैं, जहां पर आपको Dimensity 810 का 5G चिपसेट देखने को मिल जाएगा, 33 वॉट की फास्ट चार्जिंग वगैरह, 5000 mAh के बैटरी शायद आपको वहां पर देखने को मिल सकते हैं। फोन दोस्तों आपको फरवरी के एंड में देखने को मिल सकते हैं ऐसा तो कहा जा रहा है, बट दोस्तों पोको ने अभी तक कुछ श्योरली नहीं कहा है कि हाँ हम पोको X4 लाने वाले हैं बहुत ही जल्दी, यानी कि इस फेब में। तो हम आशा कर सकते हैं कि हाँ लाए, क्योंकि दोस्तों 2.5-3 महीना हो चुका है और कितना इंतजार करवाएंगे लोगों को मुझे नहीं पता, देखते हैं। अब दोस्तों ऐसे और कुछ कुछ ब्रांड्स हैं जिसके फोन इस फेब के महीने में आ सकते हैं, जैसे कि इन्फिनिक्स कह रहा है कि हाँ हम एक 5G फोन लाएंगे, शायद हम उम्मीद कर सकते हैं कि हाँ इस फेब के महीने में हमें इंडिया में देखने को मिल जाए। इसी के साथ दोस्तों रेडमी K50 जो सीरीज है, K40 सीरीज बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हुआ था, तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि हाँ K50 सीरीज भी पॉपुलर होगा, ये भी लॉन्च होने का बात चल रहा है। तो उम्मीद है दोस्तों कि 2-3 महीने के अंदर अंदर कुछ ना कुछ रिब्रांडिंग होके कुछ ना कुछ स्पेक्स चेंज करके इंडिया में लाया जा सके, तो देखते हैं गाइस। क्योंकि दोस्तों बाहर के देश में K40 सीरीज बहुत ही भयंकर वाली पॉपुलर हुआ था, तो उम्मीद तो यही है कि हाँ आ जाएगा। अब देखते हैं गाइस क्या होता है। तो बस दोस्तों यही था कुछ फोन जो फेब के महीने में हमारे इंडिया में लॉन्च हो सकते हैं, सिर्फ इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में लॉन्च हो सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा एंड मेरे इन्फॉर्मेशन आपको कैसा लगा ये मेरे को नीचे कमेंट करते हो बताना बिल्कुल मत भूलिए। एंड जितना फोन के बारे में मैंने आपसे बात किया, सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग फोन आपको कौन सा लगा एंड कौन सी फोन के लिए आप वेट कर रहे हो वो भी नीचे कमेंट करते हो मुझे बताना बिल्कुल मत भूलना। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो में बिना रुके एक लाइक जरूर कर देना, ताकि अगली वीडियो करते वक्त मुझे ढेर सारा मोटिवेशन मिल जाए। शेयर कर दो ये वीडियो अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ में, ताकि वो भी जान पाए कि इस फरवरी के महीने में कितने सारे फोन हमारे इंडिया में लॉन्च हो रहे हैं। सब्सक्राइब अगर अभी तक आपने चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन बजा दो, ऑल पे कर दो, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप ही तक सबसे पहले पहुंच जाए। दोस्तों जैसे कि मैंने कहा बहुत सारे फोन के बारे में डिटेल वीडियो आने वाले हैं, तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। तो बस दोस्तों मैं मिलता हूं आपसे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम, भारत माता की जय। स्टे होम स्टे सेफ।